नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम जिस गाड़ी के साथ हैं वो है टाटा की नेक्सॉन, और ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो स्मार्ट प्लस वेरिएंट है और पेट्रोल में दे रखा है। आज हम इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और कैसा कम्फर्ट लेवल है। तो चैनल पर बने रहिए, हम शुरू करते हैं। पहले हम गाड़ी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, जैसा मैं बता चुका हूँ कि स्मार्ट प्लस पेट्रोल वेरिएंट है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन में दे रखा है। जो टाटा नेक्सॉन है उसमें आपको पर्टिकुलरली पेट्रोल और डीजल दो तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। पेट्रोल की अगर इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। देन डीजल इंजन की बात करें तो 113 bhp और 1.5 लीटर का इंजन है एंड 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है। ये तो रही बात इसके इंजन की। अगर हम इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी बेहतर बनाती है। एंड मैंडेटरी गाड़ी में बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स दे रखे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो गाड़ी को एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिला है और आई थिंक भारत एनकैप में भी इसको 5-स्टार ही मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। ये तो रही बात इसकी सेफ्टी की। अब मैं आपको इसका इंजन भी ओपन करके बताता हूँ, इसका पेट्रोल इंजन कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आपको दिखने वाला है। आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश काफ़ी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड ये इंजन ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट में है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी पैपी इंजन है और अच्छा टॉर्की इंजन मिलने वाला है। देन अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सटीरियर में, सबसे पहले फ्रंट से, और आपको बताने वाले हैं कि फ्रंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फ्रंट में अगर बात करें इसके DRLs की तो ये इसका DRLs यहाँ पे दे रखे हैं और यही जैसे टर्न इंडिकेटर आप ऑन करेंगे तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन अगर यहाँ नीचे थोड़ा सा लाइट सेटअप की बात करें तो इसमें आपको LED में दे रखा है सेटअप, हाई बीम और लो बीम दोनों। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, यहाँ टाटा का आपको लोगो दे रखा है, ये आपको ग्रिल दे रखी है ब्लैक कलर की जो कि काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। इसके अलावा अगर इसके वाइपर्स की बात करें तो आपको दो वाइपर्स दे रखे हैं साथ में, दो वॉशर के साथ। ये तो इसके फ्रंट की बात रही। अब चलते हैं साइड में और आपको बताते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें इसके टायरों की तो इसके टायर 195/60 टायर की स्पेसिफिकेशन दे रखी है। उसके अलावा ये R16 के आपको रिम दे रखे हैं। देन आप देखेंगे यहाँ ब्लैक कलर की क्लैडिंग दे रखी है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है, यहाँ ऊपर भी ब्लैक कलर की क्लैडिंग है। एंड आप यहाँ ऊपर ORVM देखेंगे तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल रहा है विथ ORVM जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ये एक तरीके का बेस मॉडल है। देन आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटेंगे बिकॉज ये बेस मॉडल है, आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे ब्लैक में, आपका गाड़ी का कलर कोई भी हो बॉडी कलर में नहीं मिलने वाले, आपको ब्लैक में ही मिलने वाले। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 44 लीटर का इसका फ्यूल टैंक दे रखा है, चाहे आपका फ्यूल टाइप पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, 44 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है। रेयर में आप सबसे पहले देखेंगे इसके DRLs मिलेंगे एंड आपको यहाँ पे कनेक्टिंग DRLs मिलने वाला है जो कि रात में आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और ये कुछ इस तरीके से इसका लुक है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है। देन आपको यहाँ टाटा का लोगो मिलने वाला है, नेक्सॉन की बैजिंग मिलने वाली है एंड आपको 2 सेंसर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे कैमरा दे रखा है, ये कंपनी ने मतलब टाटा के जो डीलर है उन्होंने अपनी तरफ से फिट कर रखा है एज अ एसेसरी के तौर पर, जिसकी कॉस्ट समवेयर 7000 अराउंड है। इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको कैमरा नहीं मिलता, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेकिन कंपनी ने फिट करके दिया एज ए एसेसरी। देन यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं, रिवर्स का मिलने वाला है बोथ साइड। ये इसके
साइड का है। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे कोई डिफॉगर नहीं दे रखा, कोई आपको वॉशर या अपना वाइपर्स नहीं दे रखे, बट हाँ यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर दे रखा है एंड आपको शार्क फिन एंटीना दे रखा है ब्लैक कलर में। सो ये काफी अच्छी चीज है। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस की बात करें तो इसका बूट स्पेस 382 लीटर का है। आप देख सकते हैं ये 60-40 स्प्लिट में नहीं दे रखी, तो आपको जो भी सामान रखना पड़ेगा इधर ही रखना पड़ेगा। अगर ये 60-40 होती तो काफी बेहतरीन होता। उसके अलावा आप साइड में देखेंगे 3-3 केजीज के यहाँ पे हुक दे रखे हैं, तो आपके कोई भी सामान हो थैली में या कुछ आप यहाँ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। देन आपके स्पेयर व्हील की बात करें तो 195/60R16 इस सेम जो टायर इसमें दे रखा है उसी टायर का दे रखा है रिम का भी, तो ये काफी अच्छी चीज है जिसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं कही है। सो अब चलते हैं हम रेयर सीट में और आपको बताते हैं वहाँ कंफर्ट और फीचर्स क्या अवेलेबल है। सबसे पहले रेयर सीट में हम अपना इन एंड आउट बताने वाले हैं कि गाड़ी में इन होना आउट होना कितना अच्छा है। सो ये हमने गाड़ी ओपन की, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री गेट ओपन हो रहे हैं एंड यहाँ पर अगर मैं एंटर करूंगा तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आउट में ऐसा है कि ये गाड़ी 208 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है, तो हो सकता है जो एजेड लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, तो आपको थोड़ा पैर आराम से संभल के करना पड़ेगा। तो आप चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद हम 3 पॉइंट्स पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अंडर थाई सपोर्ट जो कि काफी अच्छा है एंड लेग रूम देखें तो वो भी काफी अच्छा है। अगर इसकी हेड रूम की बात करें तो वो डिसेंट है, सो वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब अगर इसकी सीटों की बात करें तो इसकी सीटें फैब्रिक दी गई हैं, यहाँ पे आपको आइसोफिक्स दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं दे रखा, लेकिन हाँ दो हेडरेस्ट जरूर दे रखे हैं जिससे आपके सफर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कोई रेयर एसी बैंड नहीं दे रखा, बस यहाँ पे एक डीप सा एक स्पेस दे रखे है जो आप अपना कुछ सामान रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट सीट पे और आपको बाकी फीचर्स बताते हैं। फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके की गाड़ी की कीज मिलने वाली है। सो इसमें लॉक, लाइट और ओपन करने का इसमें ऑप्शन दे रखा है और आपको सिंपल की दे रखी है एज ए सेकेंडरी की। सो अब हम चलते हैं अंदर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 4 पावर विंडोज मिल रखे हैं और सिंपल ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ओपन करने का दे रखा है, यहाँ पे ORVM सेट करने का आपको ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट राइट और सारी चीजें यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर दे रखा है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि नॉर्मल स्पेस है लेकिन यहाँ बॉटल नहीं रख सकते। देन यहाँ पे आपको स्पीकर का सेट दे रखा है। अगर बात करें इसकी सीटों की तो आप इसको केवल बैक में कर सकते हैं, इसमें आप सीट हाइट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो कि एक थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की गई है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। फ्यूल टैंक ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फ्रंट बोनट का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे स्पेस दे रखी है, आप अपना कुछ सामान रखना चाहें तो वो आप इजिली रख सकते हैं। इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये सिंपल स्टेयरिंग व्हील दे रखा है विद फ्लैट बॉटम और इसमें आपको कोई लेदर रैप नहीं मिलने वाला। आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल में आपको टाटा लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल दे रखे हैं जिसमें आपको कॉल मतलब कॉल उठाने का, कॉल काटने का, म्यूट का, प्लस माइनस मतलब इस वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का एंड यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं दे रखे एंड अगर इसके बात करें स्टीयरिंग में तो आपको ये टिल्ट में दे रखा है, टेलीस्कोपिक में नहीं दे रखा। सो ऊपर थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स के दे रखे हैं एंड लाइट के कंट्रोल्स दे रखे हैं जो कि बेसिक चीज है। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करने जा रहे हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको डिजिटल में दे रखा है, आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे आपको पेट्रोल का दे रखा है, कूल हॉट का दे रखा है, उसके अलावा लेफ्ट में आपको RPMs का मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बेसिक चीजें सारी दिख रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो नॉब्स दिखे लेफ्ट राइट में, आप इससे चेंज कर सकते हैं, जैसे ट्रिप है, ट्रिप बी, एवरेज और ओडोमीटर यहाँ पे दे रखा है। ये बस बेसिक आप इससे चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये एक बेस मॉडल है, तो इसमें इससे ज्यादा आप मतलब आपको फीचर नहीं मिलने वाले। तो ये तो रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब हम चलते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की तरफ। ये म्यूजिक सिस्टम 7-inch म्यूजिक सिस्टम है विद 4 स्पीकर सेट जो कि आपको चारों डोर्स पे दे रखे हैं। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB सारी चीजें मिलेंगी, प्लस आप अपने करंट ट्रिप का आप स्कोर देख सकते हैं कि एफिशिएंसी, ड्राइविंग, सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे आप म्यूजिक का कर सकते हैं, यहाँ पे होम में जा सकते हैं और कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा और आपको इसका लाइट कम ज्यादा करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स पे जाएं तो व्हीकल सेटअप, ऑडियो, फोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, सिस्टम सेटअप, ये सारी चीजें मिलने वाली है। और ये हरमन गार्डन का आपको म्यूजिक सिस्टम दे रखा है जो कि काफी
बेहतरीन साउंड प्रोवाइड कराता है। अब हम चलते हैं इसके नीचे, तो आप यहाँ देखेंगे आपको इसका जो एसी मिलने वाला है, एसी हीटर, वो आपको नॉर्मल मिलने वाला है, ऑटो एसी नहीं मिलने वाला। आपको बेसिक यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, सेट कर सकते हैं आप, विंड ब्लास्ट सेट कर सकते हैं, एसी और हीटर का सेट कर सकते हैं, इनसाइड एयर का, और ये एसी का आपको यहाँ बटन दे रखा है। प्लस आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, आपको हैजार्ड का बटन यहाँ पे दे रखा है, उसके अलावा बूट ओपन करने का आपको यहाँ पे बटन दे रखा है। अगर आप आर्मरेस्ट लगवाना चाहें तो आप बाहर से एसेसरी के तौर पे उसको लगा सकते हैं। सीटों की बात करें तो इसकी फैब्रिक सीटें हैं और यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे इसका ग्लव बॉक्स, सो इसके ग्लव बॉक्स में काफी जगह है, तो आपको कोई दिक्कत ऐसी आने नहीं वाली है। इसके आईआरवीएम की बात करें तो आपको बेसिक मिलने वाला है, यहाँ पे आपको लाइट सेटअप मिलने वाला है डिसेंट सा। इसका एक फीचर जो मैं आपको बताने जा रहा था कि एयरबैग ऑन ऑफ का, सो आप अपनी की से यहाँ पे पुट करके एयरबैग को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। सो ये फीचर यहाँ पे मिलेगा। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलने वाला है, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलने वाला है, इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंबल मिलने वाला है पैसेंजर एयर पैसेंजर का जो एयरबैग है ऑन ऑफ है, यहाँ लाइट मिलने वाली है एंड बाकी सारी चीजें आप देख ही सकते हैं गाड़ी की। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और आपसे गाड़ी के लेके कुछ बात करते हैं। ठीक है, हमने इन डेप्थ रिव्यू कर लिया है, आपको गाड़ी के बारे में सारी चीज बता दी है, इन आउट सारी चीजें हो गई है डिस्कस, सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट सारी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं ये गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा बजट में टाइट है, मतलब आपका 9-10 लाख का बजट है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें आपको फीचर्स तो मिले ही प्लस आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, बिकॉज टाटा है तो भरोसा है, तो ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। और इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको 9-10 लाख में ये पर्टिकुलर वेरिएंट स्मार्ट प्लस पेट्रोल आपको इजीली मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि नेक्सॉन ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, वो है इसने 7 लाख यूनिट सोल्ड हो चुकी है टाटा की, मतलब टाटा नेक्सॉन की, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ एक ऑफर्स भी चल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप अपने नियर बाय टाटा शोरूम जाइए और पता करिए वहां पे कि क्या ऑफर चल रहा है, तो काफी एक्साइटिंग ऑफर है। अब मैं हमेशा आपसे एक ही चीज बोलता हूँ कि आपका जो बजट है और आपकी जो इकोनॉमिकली बैलेंस आप चीजें लेना चाहते हैं, मतलब आपका बजट और आपकी फीचर लिस्ट, उस अकॉर्डिंग हमेशा गाड़ी खरीदिए, हमेशा गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए और उस हिसाब से देखिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। सो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन